उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी का औचक निरीक्षण कर वहां के विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों को बारीकी से देखा। विश्वविद्यालय के पठन पाठन सहित अन्य गतिविधियों के संबंध में कुलपति सहित अन्य अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों सहित लाइब्रेरी एवं छात्रावासों को भी देखा। लाइब्रेरी में पुरातन काल की संग्रहित पौराणिक पांडुलिपियों को मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर रविवार को वाराणसी पहुंचे और डॉक्टर संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी का औचक निरीक्षण किए। बताया गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अति प्राचीन केंद्र संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में वैदिक वांग्मय के क्रमिक विकास पर 3D म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 16 संस्कारों, 64 कलाओं, 18 विद्यास्थान को विस्तृत रूप दिया जाएगा तथा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चौकाघाट को पुनः संस्था के संकाय के रूप में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ऋषितुल्य आचार्यों के शोध एवं भारतीय नक्षत्र विद्या के दर्शनीय म्यूजियम में होंगे। उन्होंने कुलपति के प्रस्ताव पर परिसर स्थित 234 वर्षीय मुख्य भवन के अंदर का अवलोकन कर भारतीय नक्षत्र विद्या, भारतीय खगोल विद्या, भारतीय ऋषियों द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर म्यूजियम बनाए जाने तथा शास्त्रार्थ को इसी भवन में कराए जाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक सरस्वती भवन में संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियों में रास, पंचाध्यायी, भगवत गीता एवं दुर्गा सप्तशती विशेष कपड़े में लिखी गई, जो कि स्वर्ण अक्षरों एवं स्वर्ण कलाओं से युक्त है, जिसे देखकर भावविभोर हुए। उन्होंने भारतीय संस्कृति के धरोहर को संरक्षित करने के अभियान को निरंतर जारी रखने तथा विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे इस प्रयास की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने विस्तार भवन में भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा पांडुलिपियों के संरक्षण के कार्यों का भी अवलोकन किया। छात्रावासों का भी निरीक्षण करते हुए क्रमशः शोध छात्रावास एवं गंगानाथ झा छात्रावास जाकर देखा। भौतिक रूप से गंगानाथ झा छात्रावास का स्वच्छता से निरीक्षण किया। वहां पर साइकिल स्टैंड एवं गाड़ी स्टैंड बनाए जाने का निर्देश देते हुए स्वच्छता, जर्जर तारों को बदलने सहित अन्य जरूरी कार्यों को कराए जाने हेतु भी निर्देशित किया। कुलपति द्वारा मुख्यमंत्री को परिसर के सभी विभागों के साइन बोर्डों को संस्कृत भाषा में करने सहित सीवर, ड्रेनेज एवं जर्जर सड़कों को व्यवस्थित कराए जाने के बाबत भी जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय के वैदिक विद्यार्थियों के वैदिक मंत्रोच्चार, स्वास्थ्य वाचन के साथ कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा, कुलसचिव राकेश कुमार ने परिसर के मुख्य भवन के समक्ष पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी के निरीक्षण करने के पश्चात काशी पुराधिपति श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला, जिलाधिकारी एस रायलिंगम, अपर पुलिस कमिश्नर एस चिन्नप्पा सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल परिसर में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भारत माता की जय के नारों से उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वर्ण देव सिंह के सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे।